जिसका पिता मर जाता है, जिसकी माता मर जाती है, उसको 13 दिन तक उपवास करने को कहा जाता है। मतलब नमक नहीं खाना, हल्दी नहीं खाना है, बहुत कुछ नहीं खाना है। और उसके बाद क्या कहता है, जो तुम दान करो, मिष्टी दान करो, फल दान करो, वस्त्र दान करो, जमीन दान करो, सोना दान करो, गाय दान करो। साथ ही जब हमारे जिनका पिता देहांत होता है उनको सजा दिया जाता है, जो 13 दिन तक तुम अनाज पानी नहीं खाओगे। और उसके बाद वो भी क्या, पुरोहित को बैठाओ, पुरोहित को पहले बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाओ, उसके बाद तुम खाओगे। साथ ही 13 दिन तक आदमी अनाज नहीं खाएगा, दिन भर खाना नहीं खाएगा। और उसको अच्छा अच्छा मिठाई पकवान सामने में वो ब्राह्मण को जैसे खिलाएगा, उस आत्मा को क्या बीतता होगा साथी, ये सोच लीजिए आप। ये बहुत बड़ा सजा है साथी। तो ये जो नया विचारधारा है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा है जो चल रहा है, वो बहुत स्पीड में चल रहा है साथी। एक घटना हम आपको बता रहे हैं, हमारे साथ हुआ है। हमारे पिताजी का देहांत 2008 में हुआ। उस समय हम ब्राह्मणवादी विचारधारा से ही हमारा पूर्वजों का होता था। तो जब 13 दिन का संस्कार जब हो गया, उसके बाद हम लोग थक हार करके इसी तरीके से चेयर पर बैठे थे, तो पुरोहित भी लास्ट दक्षिणा लेने के लिए तैयार था वो। तो हमने पूछा, पंडित जी ये बताइए, ये जो 13 दिन का जो क्रियाक्रम हो रहा है, भोज भंडारा हो रहा है, ये बहुत परेशानी है हम लोगों का, ये कब तक चलेगा? वो तिवारी था हमारा गांव से, 2 गांव के बाद वाला, वो बोलता है जे कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो फिर हमको मन में सवाल आया जे कि फिर अगर ज़्यादा दिन ये क्रियाक्रम नहीं चलेगा तो फिर हम लोग का पूर्वज मरेगा तो किस तरीके से दासन क्रियाक्रम होगा? तो उसने अपना मन से कहा जी कि बौद्ध धर्म से होगा। वो उसने कहा जब बौद्ध धर्म से होगा, और उसके बाद दूसरा शब्द ये बोला जी कि अब शूद्रों का राज आएगा। तो साथी दुश्मन जानता है जी ये व्यवस्था आने वाला है, हमारा लोग नहीं जानता है, हमारा लोग नहीं जानता, हमारा लोग डरता है, दुश्मन जानता है जो बौद्ध रीति रिवाज से होगा। तो उस समय में जब बौद्ध का नाम लिया तो हम सोचे चीन जापान का ये धर्म है, ये चीन जापान वाला कैसे यहाँ आ जाएगा। तो जब आम सेप में जब आए और जब विचारधारा को सोचते तो ये तो देखिए तो हमारा विचारधारा है साथी। ये विचारधारा जो है, ये क्रियाक्रम जो हो रहा है, शरण सभा हो रहा है, ये कोई नया नहीं है, हमारा पूर्वज ऐसा ही करते थे जब बौद्ध रीति रिवाज से होता था। तो जब बुद्ध को यहाँ खत्म कर दिया गया तो ब्राह्मणवादी लोग जैसे अपना विचारधारा हमारे पूर्वजों का माथा में थोका, और सबसे पहले उसको बोलने नहीं दिया गया, पढ़ने नहीं दिया गया, संपत्ति रखने नहीं दिया गया, पानी छूने नहीं दिया गया, चप्पल नहीं पहनने दिया गया। तो मतलब जानवर को जानवर की तरह हमारे पूर्वजों को बना के रखा। जब जानवरों की तरह बना करके हम लोग को रखा तो जानवर का मालिक कौन हुआ? ब्राह्मण हुआ। तो ब्राह्मण जैसे जैसे हमारे पूर्वजों को बोलते गया वैसे वैसे करते गया। घर में खाना नहीं है लेकिन श्राद्ध करो, तुम श्राद्ध कैसे करोगे? जमीन बेचो, तुम जमीन नहीं बेचोगे तो अपना घर को नीलामी करो, बेचो तुम, तेरा बाप को मुक्ति नहीं मिलेगा। इस तरीका से हमारे पूर्वजों हमारे लोगों को डरवाते हैं साथी। साथी वो पूजा पाठ हम लोग को करवाते हैं, और पूजा पाठ का मतलब होता है, पूजा का मतलब होता है, पूजा में 2 शब्द है, पढ़ चुका पू जो कर जा। पूजा का मतलब आता है पूरी जानकारी, पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी, और हमारे लोगों को पूजा का मतलब ही नहीं जानकारी है। और जब पूरी अगर जानकारी आप अगर जान जाइएगा तो पूजा करना छोड़ दीजिएगा। पुरोहित क्या कहता है, हम जो कहता है सो मानो जानो मत, हम जो कहता है सो मानो जानो मत। लेकिन बुद्ध कहा पहले देखो, सोचो, समझो, जानो, उसके बाद मानो। लेकिन पुरोहित का कहता है तुमको जानने की जरूरत नहीं है, मानो। एक गोबर ले आता है, रख देता है, बोलता है ये गणेश है, इसको पूजा करो। एक टॉयलेट टॉयलेट होता है, गंदगी होता है, वो भगवान कैसे हो सकता है? अगर सो रीति सो अगर भगवान होता तो पूरा दुनिया का आदमी इस चीज को मानता, ये दुनिया का लोग इसको मानता। साथी ईसा मसीह के पास जाइए, 60 देश है ईसाई को मानने वाला, ईसाई मसीह के पास एक भी अस्त्र नहीं है। बुद्ध के पास चला जाइए, लगभग 45 कंट्री है पूरे धरती पर जो बुद्ध के विचारधारा से चलता है, उसके पास कोई हथियार नहीं है।
पैगंबर साहब के पास जाइए, इस्लाम में पैगंबर साहब के पास कोई हथियार नहीं है। 80 को कंट्री है पूरे दुनिया में, किसी के पास हथियार नहीं है, तो फिर इतना देश क्यों विचारधारा अपनाया? और हमारे जितना भी मनुवादी जितना भी देवी देवता है सभी के पास अस्त्र है। अस्त्र क्यों है आपको जानना जरूरी है साथी। ये मनुवादी लोग यूरेशिया से इस देश पर आक्रमण किया और हथियार के बल पर आक्रमण किया, आक्रमण करके हमारे ही पूर्वजों को छल कपट से हत्या किया और हमारे ही पूर्वजों के उन्होंने राक्षस दानव दैत्य असुर घोषित किया। दुनिया में 213 देश है, किसी भी देश में राक्षस दानव दैत्य असुर नहीं है, सिर्फ भारत में है साथी, सिर्फ भारत में है। तो आज जो हथियार वाले जो देवी देवताएं हैं वो कोई और नहीं है बल्कि यूरेशियन आक्रमणकारी है साथी। वो जो ब्राह्मण जो अपना देवी देवता को पूजा करवाता है वो हमसे लेकर के वो अपना पूर्वजों को पूजा करवाता है। हमारे पूर्वजों को तो राक्षस दानव दैत्य असुर कहा गया है साथी। तो जब पूजा करते हैं तो पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी। जब पूरी जानकारी आपको हो जाएगा तो आप जागृत हो जाइएगा, और वो जागृत नहीं होने देता है साथी। एक शब्द वो लोग हम लोग पर यूज करता है जो तुम लोग शूद्र है साथी। शूद्र का मतलब बहुत अच्छा चीज होता है। शूद्र का मतलब होता है स्वर्ग का सु द्र शूद्र। शूद्र का मतलब होता है जो सिंधु सभ्यता था वो द्रविड़ सभ्यता था, उस पर आक्रमणों आर्यों का आक्रमण हुआ है 99 बार। हमने ऋग्वेद पढ़ा है, ऋग्वेद में ये शब्द लिखा हुआ है। ब्राह्मण धर्म का जो ऋग्वेद है मेन धर्म है, और हमने हमारे पास भी है ऋग्वेद, हमने उसको 2 महीना में पढ़े हैं, 2500 पढ़ना है उसमें साथी। वो द्रविड़ शब्द जो द्रविड़ लोग थे वही आज का शूद्र है, और वो ब्राह्मणों ने उसका नाम दिया, उस द्रविड़ का नाम दिया सूर द्रविड़। सूर द्रविड़, सूर द्रविड़ का शॉर्ट नाम में शूद्र कहा जाता है। सूर द्रविड़ के नाम में शूद्र कहा जाता है। तो साथी बोलने को बहुत कुछ है और समय भी नहीं है, चिट्ठी भी मिल गया है, और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। जय मूल्यवासी, जय भारत, जय भीम।